ना जाने इन पहाड़ों को कौन सा जादू आता है, कितना भी दूर चले जाएं अपनी ओर खींच ही लाते हैं। नमस्कार दर्शकों, हिना अधिकारी चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जा रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो कि कश्मीर की गर्मियों की राजधानी है। और मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकूँ और श्रीनगर की खूबसूरती के साथ भी आपको रूबरू करा सकूँ। ये पूरी एक सीरीज़ है जिसमें लगभग आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैं हल्द्वानी से लेह लद्दाख तक का सफ़र आप सबके साथ शेयर करूंगी और इस सफ़र में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। श्रीनगर जाते समय आपको कोई टनल नहीं मिलती, बेसिकली जम्मू के बाद ही टनल स्टार्ट होती है। वैसे तो बहुत सी छोटी छोटी टनल आती हैं रास्ते में, पर जो सबसे पहले मेन टनल आती है नंदनी टनल, जो जम्मू को उधमपुर से लिंक करती है, और इसका निर्माण कार्य 2015 में पूरा हुआ था। इस टनल की लंबाई लगभग 1.4 किलोमीटर है। इसके बाद जो दूसरी मेन टनल आती है वो है श्रीनगर की चिनानी नशरी टनल। वैसे कुछ साल पहले इस टनल का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए उनके बलिदान लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करना भी है। यह 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को 31 किलोमीटर तक कम करती है, जो कि एक अद्भुत बात है, जिस कारण आपके जो समय में 2 घंटे तक की कटौती होती है। और यह भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल है। यह है जवाहर टनल, जिसे हम बनिहाल टनल के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग 2.85 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्घाटन 22 दिसंबर 1956 में हुआ था। और ये टनल जो है बनिहाल को काजीकुंड के साथ लिंक करवाती है। और इस टनल का नाम हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर रखा गया था। हमने लगभग रात के 10 बजे हल्द्वानी से अपना सफ़र शुरू किया था और लगभग 18 घंटे की जर्नी के बाद हम कश्मीर पहुंचते। और कश्मीर पहुंचने के बाद जो थकावट महसूस होती रात भर की ट्रैवलिंग के कारण, वो सब भूल गए कश्मीर की खूबसूरती देखे। और सच बताऊं तो इस खूबसूरती का बयान शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। फाइनली हम श्रीनगर पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने पर हमने सबसे पहले बोट हाउस लेने का सोचा, क्योंकि 1026 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के बाद हम बहुत थक चुके थे। तो डायरेक्टली पहुँचते हैं उस जगह जहाँ से हम अपनी बोट हाउस हायर कर सकते थे। वहाँ ऑलरेडी पहले से लोग खड़े थे। पहले हमने सबसे उनका रेट पूछा, और रेट्स जो है वो सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं अपने बोट हाउस का, बट यहाँ पे आकर ये फ़ायदा होता है कि आप रेट्स में नेगोशिएशन कर सकते हैं। और हमने आफ्टर नेगोशिएशन एक बहुत ही अच्छे रेट पर अपना बोट हाउस जो है हायर किया। और जो भी आप बोट हाउस आप बुक करते हैं, उन लोगों की अपनी बोट होती है जिसे शिकारा कहते हैं, उसी में वो मेन रोड से बोट हाउस तक ले जाते हैं। तो हम चल पड़ते हैं अपने बोट हाउस की ओर, जो हमने आफ्टर नेगोशिएशन 1200 में बुक की थी। और ये है हमारा बोट हाउस का टूर जो मॉर्निंग में मैंने शूट किया था। बोट हाउस की एंट्री, एंटर करते ही आपको मिलता है लिविंग एरिया कम ड्राइंग एरिया, जहाँ पे आपको बैठने के लिए सोफे मिलते हैं। एवरीथिंग वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड गुड। और ये पूरा है जो बोट हाउस है वो वुडन का ही होता है। आफ्टर ड्राइंग एरिया आपको मिलता है डाइनिंग एरिया, और हर एक यहाँ पे रखी हुई चीज़ बहुत ही सुंदर थी विद कश्मीरी कारीगरी। चले चलते हैं रूम की तरफ। सबसे पहले आता है कॉरिडोर रूम में जाने के लिए, और हमारे बोट हाउस में लगभग 4 रूम थे। और ये जो बोट हाउस है ये देवदार की लकड़ी का बना होता है। ये है मेरा रूम, छोटा सा प्यारा सा रूम, और हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर थी कश्मीरी कारीगरी के किए हुए। पर्दे लगे हुए थे पूरे बोट हाउस में, और इसके साथ ही आपको मिलता है अटैच बाथरूम, बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा बाथरूम था। और कर्टन्स लगे हुए थे विद कश्मीरी कारीगरी। और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लगभग 5 बजे हम बोट हाउस से निकल जाते हैं शिकारा की सैर पर, क्योंकि यही बेस्ट टाइम होता है शिकारा की सवारी का। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी, जब भी श्रीनगर आए बोट हाउस में रुकने का एक्सपीरियंस ज़रूर लें, क्योंकि ये अल्टीमेट होगा। और शाम के समय ही शिकारा पर घूमने के लिए जाएँ, क्योंकि इसी समय आप सनसेट का अद्भुत नज़ारे को एंजॉय कर पाएंगे। और डल लेक पे घूमते हुए आपको यहाँ के नज़ारों से इश्क सा हो जाएगा। शिकारा में घूमते हुए आपको फ्लोटिंग शॉप्स, चलता फिरता एक शहर बसा हुआ मिलेगा। और इस पे घूमते हुए आपको एक गोल्डन पॉइंट मिलता है डल लेक पर, जहाँ आपको 5-स्टार कैटेगरी वाले हाउस बोट्स देखने को मिलेंगे। डल लेक पर एक पॉइंट आता है फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ टोटली कश्मीरी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और यहाँ से आप विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसे मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और एक और बात, जो मूवी हैदर है उसकी शूटिंग भी इसी डल लेक पर हुई थी। डल लेक की खूबसूरती से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ की सबसे खूबसूरत है वो है शिकारा पर बैठकर यहाँ के सूर्य अस्त को निहारना। एंड इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो मैं भी बिल्कुल शांत बैठ के, बिल्कुल चुपचाप बैठ के इस खूबसूरती को निहार रही थी, और ये मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ इस खूबसूरती का आनंद लीजिए।
होप मेरी ये छोटी सी कोशिश, सनसेट का ये नज़ारा आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये है रात का नज़ारा, उफ सच में इश्क सा हो गया है मुझे श्रीनगर से, कश्मीर से। और ऐसे ही नहीं, इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ आके ही आपको इसकी असली खूबसूरती का पता लगेगा। और रात को हम बोट हाउस में ही खाना खा के अगले दिन चल पड़ते हैं एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की ओर। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हम सीधा आते हैं अंदर और ओ माय गॉड, अगेन एक अद्भुत दृश्य आंखों के सामने था। सबसे पहले कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर मैं बात करूँ टिकट प्राइस की, तो अडल्ट्स के लिए 50 रुपये और छोटे बच्चों के लिए 25 रुपये है। और ट्यूलिप गार्डन अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो ये पूरा साल पर्यटकों के लिए नहीं खुला रहता, ये मार्च के मिडल से और अप्रैल के अंत तक ही जनता के लिए खुला रहता है। और इस साल ये 23 मार्च को खोला गया था पर्यटकों के लिए, जिसे आप 9 बजे से शाम के 7 बजे के बीच देख सकते हैं। यहाँ आपको 60 किस्मों और रंगों वाले 15 लाख से भी अधिक ट्यूलिप देखने को मिलेंगे। और ट्यूलिप के साथ साथ और भी कई किस्म के फूल आप यहाँ देखेंगे। और ये ट्यूलिप सिर्फ 1 महीने तक ही खिले रहते हैं, उसके बाद ये खुद ही मुरझा जाते हैं, इसीलिए ये 1 महीने तक ही पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जल्दी से प्लान कीजिए इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में और यहाँ का आनंद लीजिए, क्योंकि शायद वीडियो में मैं इसी खूबसूरती को जस्टिफाई ना कर पा रही हूँ, पर यहाँ आके आप इसी खूबसूरती को साक्षात देखेंगे तो उसका अलग ही मज़ा रहेगा। जब भी श्रीनगर आए यहाँ पर आना बिल्कुल भी मिस ना करें। किसी भी फ्लावर को हानि पहुंचाने पर आपको 500 रुपीज का फाइन पे करना पड़ेगा। अंत में मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।